जनपद नैनीताल का 183वां जन्मदिन सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। पहले तो नगर के लोगों ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी को सरोवर नगरी नैनीताल के जन्मदिन की बधाई दी। उसके बाद केक काटकर नैनीताल का जन्मदिन मनाया गया। उसके बाद स्कूली बच्चों के साथ ही पर्यटकों को भी नैनीताल के जन्मदिन पर केक खिलाया। बता दें कि 18 नवम्बर 1841 को अंग्रेज व्यापारी पी बैरन यहां पहुंचे और नैनीताल के सौंदर्य से प्रभावित होकर इसे दुनिया की नजरों में लाए। अंग्रेज व्यापारी के आने की तारीख को ही नैनीताल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 18 नवंबर को ही पी बैरन नैनीताल आए थे। इस दौरान स्वर्गीय दीपक बिष्ट की पत्नी शालिनी बिष्ट ने बताया कि दीपक ने ही नैनीताल का जन्मदिन मनाना शुरू किया था और आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके ओर से शुरू किए गए सभी कार्यों को वह आगे भी निरंतर जारी रखेंगी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। नैनीताल की बसासत का आयोजन आज के दिन अर्थात 18 नवंबर को मनाना प्रारंभ किया और उसका उद्देश्य जो उनका था कि उनका उद्देश्य था कि जो नैनीताल जो इतना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी है और जिसकी वजह से हमारे हम गर्व अनुभव करते हैं भारतवासी कि हमारे पहाड़ों में एक ऐसी इतनी सुंदर पर्यटन नगरी है, तो उसको अगर हमने उसका अस्तित्व बचाए रखना है तो अभी तक तो अब तो चलिए जो हो गया अब कम से कम इसको संभाल के रखा जाए और जो निर्माण जो असंतुलित निर्माण है उन पर लगाम लगाई जाए।